Welcome to Mishika classes. Let's know about India. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. Where is India situated? India kahan par situated hai? Asia continent. India Asia continent ke southernmost part mein situated hai. India is situated at the southernmost part of the Asian continent. Asia is the name of the continent. What is the capital of our country India? Hamari country India ki current capital kya hai? New Delhi is situated in the northern central part of the country on the west bank of the Yamuna river adjacent to the and just south of Delhi city is the old Delhi. Jo New Delhi hai, that is situated in the northern central part of our country. Hamari country ki north central part mein situated hai. It is located at the bank of the river Yamuna. River Yamuna ke bank pe bani hai. और जो रिवर यमुना है दैट इज आर द साउदर्न पार्ट ऑफ द दिल्ली सिटी के साउदर्न पार्ट में लाई करती है. बिफोर दिल्ली व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? दिल्ली से पहले इंडिया की कैपिटल कौन सी थी? कलकत्ता. द नेम ऑफ द सिटी इज कलकत्ता. कलकत्ता वॉज द कैपिटल ऑफ इंडिया by the later half of the 19th century and in that time Shimla is the capital at the summers mein jo capital thi wo Shimla thi but the main capital jo thi from the half of the 19th century se jo capital thi main hamari that was Calcutta. Calcutta hi count hoti thi hamari main capital but in summer seasons ke andar Shimla ko consider karte the ki bhai hamari jo capital hai wo kaun si hai India ki capital kaun si count hoti thi Shimla. When did Delhi became the capital of India? Delhi kab bani India ki capital? In 1931 mein Delhi jo hai wo hamari capital bani. On 13th February 1931 Lord Irwin inaugurated New Delhi as a new capital of India. 13 फरवरी 1931 को लॉर्ड इरविन ने इंडिया को न्यू दिल्ली को इनॉग्रेट किया था एज अ कैपिटल ऑफ इंडिया के लिए. द फाउंडेशन वॉज लेड ऑन द 12th December 1911 बाय द किंग जॉर्ज फिफ्थ ड्यूरिंग न्यू दिल्ली दरबार. जो इसकी फाउंडेशन थी इसकी स्टार्टिंग जो थी वो हुई थी ऑन 12 दिसंबर 1911 को बाय द किंग जॉर्ज फिफ्थ. किंग जॉर्ज फिफ्थ ने इसकी स्टार्टिंग करी थी फ्रॉम न्यू दिल्ली दरबार से. व्हाट इज द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया? टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, टोटल एरिया कितना है इंडिया का? दैट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. जो टोटल एरिया है दैट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर विच इज अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड. जो कि 2.4% टोटल जितना ज्योग्राफिकल एरिया है पूरे वर्ल्ड का ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 2.4% है. एंड अकॉर्डिंग टू द एरिया वाइज इंडिया इज द सेवेंथ नंबर कंट्री, सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. एरिया जो एरिया के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो जो हमारी इंडिया है दैट इज ऑन द सेवेंथ नंबर पे आती है अकॉर्डिंग टू द लार्जेस्ट कंट्री. जो सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री आती है इट्स एरिया इज नियरली इक्वल टू द एरिया ऑफ द कंटिनेंट ऑफ यूरोप एक्सक्लूडिंग रशिया. जो इसका एरिया है वो अप्रोक्सीमेट वो उतना ही है अगर हम यूरोप में से रशिया को एक्सक्लूड कर दें, निकाल दें, जितना एरिया यूरोप का बच जाएगा दैट इज नियरली इक्वल टू द एरिया ऑफ द इंडिया. व्हाट इज द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड ऑफ इंडिया?
इंडिया का लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, कितनी दूरी तक वो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल फैला हुआ है। एट डिग्री फोर मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड, जो इसके लैटिट्यूडनल एक्सटेंट्स हैं, दैट इज 8 डिग्री 4th नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 नॉर्थ, एंड लॉन्गिट्यूडनल इज 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्री 24 ईस्ट, जो इसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्री 24 मिनट्स ईस्ट। हाउ मेनी वाटर बॉडीज आर सराउंडेड बाय इंडिया पेनिसुला। इंडिया पेनिसुला जो हमारा इंडिया का मतलब साउदर्न पार्ट है, पेनिसुला मीन्स द साउदर्न पार्ट ऑफ अवर कंट्री इंडिया। इंडिया का जो साउदर्न पार्ट जो हमारा है वो कितनी मतलब वाटर बॉडीज, कितनी वाटर बॉडीज से वो सराउंडेड है। थ्री वाटर बॉडीज से सराउंडेड है। ऑन द साउथ ऑफ द इंडिया लाइज द इंडिया ओशन, साउथ में इंडिया ओशन है। ऑन द वेस्ट कोस्ट इट इज सराउंडेड बाय द अरेबियन सी, वेस्ट में अरेबियन सी है। ऑन द ईस्टर्न कोस्ट इट लाइज द बे ऑफ बंगाल, और ईस्ट साइड में द बे ऑफ बंगाल है। हाउ मेनी नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया आर देयर, इंडिया की कितनी नेबरिंग कंट्रीज है। टोटल 9, इंडिया की जो टोटल नेबरिंग कंट्रीज हैं दैट इज टोटल 9 है। इंडिया शेयर्स 7 बॉर्डर्स शेयर करता है, दैट इज ऑफ अफगानिस्तान पाकिस्तान टू द नॉर्थ वेस्ट। 7 बॉर्डर्स जो वो शेयर कर रहा है वो कैसे कर रहा है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तो नॉर्थ वेस्ट में, चाइना भूटान एंड नेपाल टू द नॉर्थ, चाइना भूटान नेपाल दीज थ्री आर फ्रॉम द नॉर्थ, म्यांमार टू द ईस्ट, म्यांमार ईस्ट में, एंड बांग्लादेश इज ऑल्सो इन ईस्ट, बांग्लादेश भी ईस्ट से ही करता है। श्रीलंका फ्रॉम द साउथ ईस्ट, श्रीलंका जो है वो बॉर्डर शेयर नहीं करता, मतलब उसकी बिल्कुल बाउंड्रीज टच नहीं होती, बट इट इज अवर नेबरिंग कंट्री, वो लेकिन वो नेबरिंग कंट्री काउंट होती है हमारी। फ्रॉम द साउथ ईस्ट, वो साउथ ईस्ट से है। एंड मालदीव्स ऑल्सो नॉट शेयर हिज बॉर्डरिंग टू द इंडिया, जो मालदीव्स की जो बाउंड्री है वो भी इंडिया की बाउंड्री से टच नहीं होती है, बट दैट इज ऑल्सो अवर नेबरिंग कंट्री, वो भी हमारी नेबरिंग कंट्री है, एंड दैट इज फ्रॉम द साउथ वेस्ट पार्ट, वो हमारे साउथ वेस्ट पार्ट में लाई करती है। नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन दैट विच कंट्री शेयर विच बॉर्डर, जो भी कंट्रीज है हमारी वो कौन सी बॉर्डर पे, कौन सी कंट्री हमारी कौन सी बॉर्डर को, कौन सी स्टेट की बॉर्डर को टच करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द नॉर्थ वेस्ट पार्ट, नॉर्थ वेस्ट पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट इज अफगानिस्तान, अफगानिस्तान शेयर जम्मू एंड कश्मीर, पीओके पार्ट, पीओके जो पार्ट जम्मू कश्मीर का है उस वाली बाउंड्री को टच करता है अफगानिस्तान। द सेकेंड इज भूटान, भूटान टच इज असम सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश वेस्ट बंगाल, भूटान जो है असम सिक्किम अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल को शेयर करता है। चाइना सिक्किम जम्मू कश्मीर उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश, जो चाइना वह है वो हमारे कौन कौन सी स्टेट को टच करता है, सिक्किम जम्मू कश्मीर उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट इज नेपाल, नेपाल कौन कौन सी स्टेट्स को टच करता है, सिक्किम वेस्ट बंगाल बिहार उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, नेपाल जो है वो सिक्किम वेस्ट बंगाल बिहार उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड को टच होती है उसकी बाउंड्रीज। पाकिस्तान जो है डैट टचिस पंजाब जम्मू एंड कश्मीर राजस्थान एंड गुजरात, पाकिस्तान जो है वो पंजाब जम्मू कश्मीर राजस्थान और गुजरात को टच करता है। द नेक्स्ट इज म्यांमार, म्यांमार टचिस मिजोरम मणिपुर अरुणाचल प्रदेश नागालैंड, म्यांमार जो है वो कौन सी उसको टच करता है स्टेट्स को, मिजोरम मणिपुर अरुणाचल प्रदेश एंड द नागालैंड। नेक्स्ट इज बांग्लादेश, बांग्लादेश टचिस त्रिपुरा वेस्ट बंगाल मेघालय मिजोरम एंड असम, बांग्लादेश जो है वो त्रिपुरा को वेस्ट बंगाल को मेघालय को मिजोरम को और असम को टच करता है। द श्रीलंका, श्रीलंका जो है वो उसकी बाउंड्री टच नहीं होती हमारी कंट्री से, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द गल्फ ऑफ मन्नार, जो इंडिया का गल्फ ऑफ मन्नार है
श्रीलंका जो है उससे सेपरेट हो रहा है। मालदीव्स द एरिया ऑफ द इंडियन ओशन टू द साउथ वेस्ट ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड। जो मालदीव्स है वो इंडियन ओशन का साउदर्न मोस्ट पार्ट है, जो साउथ वेस्ट पार्ट है उससे लक्षद्वीप लक्षद्वीप आइलैंड से वो सेपरेट हो रहा है इंडिया से। आई होप यू लाइक द वीडियो, यू गेट द यूजफुल इंफॉर्मेशन थ्रू दिस वीडियो। इफ सो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।